दबा देते हैं, एक मिनट खाली हवा। हेलो हाय, और आप लोगों का स्वागत है मॉम व्लॉग्स में। मैं हूँ ईशान और ये है मेरी मम्मी। हाय राधे राधे। गुड मॉर्निंग मम्मी। का आज तबीयत खराब है इसलिए मम्मी आज वीडियो नहीं बना पाई थी, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ और आपसे मिलते हैं शाम को, क्योंकि मैं अभी मम्मी का सिर दबाने वाला हूँ, पैर दबाने वाला हूँ, तो इसीलिए हम लोग अब शाम को मिलते हैं। इसीलिए मेरा बेटा वीडियो बनाना शुरू किया, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। अभी हम दवा ले लिए हैं तो हो सकता है थोड़े देर में आराम हो जाए, क्योंकि मेरे सिर में बहुत बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है और बिल्कुल मन नहीं हो रहा है कि आँख खोल के देखे, लग रहा है आँख बंद करके लेटे रहे, इतना ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो आ रहे हैं, माँ दे रहे हैं, तो इसी वजह से अभी हम दवा ले लिए, क्योंकि दवा नहीं लेंगे तो ईशान का एग्जाम है, थोड़ा बहुत पढ़ाना ही पड़ता है, देखना ही पड़ता है, तो बोलने का मन नहीं होगा, सिर दुखेगा तो समझ सकते हैं, कुछ भी एकदम मन चिड़चिड़ाते रहता है, बोलने का भी मन नहीं होगा, तो एसिडिटी भी बहुत ज़्यादा बन रहा है। तो थोड़ा सा अभी रेस्ट करते हैं, होप सो ठीक हो जाएंगे एक दो घंटे में, तो फिर ईशान का रिविज़न भी करवा देंगे बच्चे का। कल तो छुट्टी है, ट्यूज़डे को है हिंदी लिटरेचर का, है ना बेटा? वैसे ईशान पढ़ रहा है और आज ईशान के लिए हम बनाए थे। इधर से इस विंडो से रोशनी आ रहा है ना, तो बिल्कुल येलो येलो सा इधर हो रहा है फेस। तो ईशान क्या खाया आज? मैं आज पूरी और आलू का सब्जी खाया और उसके साथ मेरा फेवरेट खट्टा तीखा ग्रीन चिली सॉस खाया हूँ। तो आप लोग बताइएगा जरूर कि मेरा बेटा वीडियो कैसा बनाता है। ईशान ही पूरी खाना पसंद करता है, हम लोग तो जल्दी खाते नहीं है। मैं सबसे ज्यादा ही लाता हूँ और मेरे से अच्छा बनता ही नहीं है। कोई नहीं, बन जाएगा धीरे धीरे। तो इसी वजह से सोचे पूरी बना दे रहे हैं, बच्चा खाता है तो ठीक है, एक दिन हम लोग भी खा ही लेंगे। वैसे हम लोग नहीं खाना चाहते हैं छाना छूना हुआ चीज, और आज हमारे घर में लगने वाला है लिट्टी, जो कि शाम को होगा, जो कि शाम को लगेगा। उपले वगैरह आ चुके हैं, गोईठा भी आ चुका है, उसी को गोईठा उपला उसी को बोलते हैं। चलिए फिर रेस्ट करते हैं हम और मिलते हैं थोड़ी देर में। मैं दवा खा के लेटी हुई थी तो मेरा बेटा बगल में बैठ गया। इसको कितना भी मना कर रहे हैं, बेटा तुम अपना पढ़ाई करो, रिवीजन कर लो, लेकिन नहीं मम्मी मुझे करने दीजिए। और कभी सिर दबा रहा है, कभी पैर दबा रहा है, और कितना भी मना कर रहे थे, बेटा छोड़ दो छोड़ दो, तुम पढ़ो। खांस रहे थे तो तुरंत पीठ सहलाने लग रहा था, तो इतना मतलब लगता है ना, आप कितने भी बीमार हो लेकिन छोटा बच्चा ये सब करता है तो अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो मान ही नहीं रहा था। तो बहुत बहुत उसको कर रहे थे, हटा रहे थे कि बेटा छोड़ दो छोड़ दो, लेकिन फिर भी वो अपने जीत पे था कि मम्मी का सेवा करना है तो करना है। बाम तो इतना लगा रहा था कि मेरा फोरहेड जलने लगा था, लेकिन उसको बोले थे इतना नहीं लगाओ बेटा, लेकिन एकदम ये दूसरे या तीसरे बार लगा रहा है। हम बोले कि आज तो सारा झंडू बाम एक बार में तुम ख़त्म करना। बच्चा है ना, उसको लगता है झंडू बाम लगा रहा है, कभी भिक्स लगा रहा है, और भिक्स लगा क्या रहा था, खांस रहे थे ना तो पीठ सहला रहा था, भिक्स का पूरा डब्बा नाक में घुसा दे रहा था। अरे ये कौन सा तरीका है वो, क्योंकि उसको यही वही अच्छा लगता है, खुद भी उसका नाक थोड़ा सा जाम लगेगा तो भिक सूंघते रहेगा, तो हमको भी भिक सूंघा रहा है। हम बोले बेटा छोड़ दो पढ़ाई करो, लेकिन सच में दिल छू जाती हैं बच्चों की ये हरकतें, और बहुत प्यारा है बच्चा मेरा। और ये बात सही है, हम जितना प्यार करते हैं केयर करते हैं ना, तो बच्चे वो देखते हैं ऑब्जर्व करते हैं, और फिर बच्चे भी जब हम बीमार होते हैं तो उन्हें भी लगता है कि जैसे मम्मी मेरे लिए करती हैं तो वैसे जितना भी हो सके वो लोग भी हमारे लिए करते हैं। सो फ्रेंड्स, हो चुकी है दोपहर और मम्मी शाम होने वाली है और हमारे घर बन रहा है लिट्टी, और नहीं बेटा ये है बड़ी मम्मी, सोचे कि तैयार हो जाए, ईशान लगा है कहाँ जाएगा। ये है मम्मी जो बना रही है चोखा, ये है बड़ी मम्मी जो बना रही है लिट्टी, और दादी भी लिट्टी बना रही है, और दादी भी लिट्टी बना रही है। और चलते हैं दादी के पास। अरे
देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरी दादी जो कि लिट्टी बना रही हैं। और कैसा है लिट्टी? गोल गोल, पूरा गोल गोल। ये सत्तू है, वो आटा है, और गोल गोल बनाया जाता है, और लिट्टी आगे पकाया जाता है। आप लोग भी खाइए, पक जाए तो खाइए। देखिए, मेरे घर मन रहा है लिट्टी। छत पे भाभी और माँ सब गई हुई हैं और हम यहाँ छान रहे हैं निमकी। तो निमकी क्यों छान रहे हैं बताएं? भारी हो गया क्या उधर? कढ़ाई का बैलेंस लगता है बिगड़ गया। ये इधर छान लिए हैं, तेज करके छान दे रहे हैं क्योंकि आटे का है। और ये क्यों छान रहे हैं ये देख सकते हैं, बाम के कारण कैसा मेरा फोरहेड हो गया है एकदम। ये इसलिए छान रहे हैं क्योंकि सुबह हम ईशान के लिए पूड़ी बनाए थे, बहुत सारा घी का मोयन डाले थे उसमें, काफी सॉफ्ट बनाए थे, मतलब खास्ता बनता है ना, मोयन ज्यादा रहता है तो घी का ही मोयन डालते हैं हम। तो आटा थोड़ा बच रहा था तो सोचे उसको फिर रखेंगे, कल कुछ बनाएंगे। और ऐसा तो होता नहीं है, आग वाला लिट्टी लग रहा है तो बच ही जाता है, तो मॉर्निंग में वही हो जाएगा, नाश्ते तक तो चल ही जाएगा। तो इस आटे का निमकी छान देते हैं, हम लोग तो निमकी ही बोलते हैं बिहारी। पता नहीं आप लोग क्या बोलते हैं। तो ये छान दे रहे हैं तो खास्ता अच्छा लग रहा है, ऐसा नहीं है कि ये मुलायम हुआ है आटे का है। तो देखिए अब ऐसे सांग तो पता नहीं चल रहा है, लेकिन हाँ ये हो जाता है जब मोयन अच्छा रहता है ना, तो ये खास्ता हो जाता है, अच्छा लगता है खाने में आटे का। तो आटे का भी कभी कभी बनाकर खाया जा सकता है, और ऊपर भी चल कर दिखाते हैं कि ऊपर क्या हो रहा है। तो देखिए पूरा बन गया है, ये देख सकते हैं आप कितना खन खन आवाज आ रहा है। तो ये भी खाने में अच्छा लगता है, भले ही आटे का है लेकिन ये भी खाने में बहुत अच्छा लगता है। तो ये आग लग चुका है, मतलब कि गोईठा का उपला जलाया जा चुका है। ऑरेंज पता नहीं, गुलाबी हमको तो दिख रहा है, इसमें अंदर वाला दिख रहा है ना। और ये लिट्टी रखा हुआ है, यही नहीं है इधर भी है, और इसमें भी बेटा। और इधर है माँ, और इधर है भाभी, और हम भी आ गए हैं, देखते हैं कितना हेल्प कर पाते हैं। अच्छा मेरा डांस देखो। तो ईशान कर रहा है डांस, देख सकते हैं, वाह अच्छा वाह बेटा, आवाज में मत कुछ जाइए। तो अभी लिट्टी लगने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो हम लोग छत पे अभी रहेंगे थोड़े देर तक। और वीडियो शूट मेरा बच्चा ही शुरू किया था, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो अभी भी आवाज़ भारी भारी लग रहा है। हालांकि दवा लिया है तो सिर के दर्द में काफ़ी आराम है, और दवा से ज़्यादा मेरा बेटा जो मेरा इतना मदद किया आज, इतना मेरा हेल्प किया, सिर दबाया, बाम लगाया, सब कुछ किया, तो बहुत बहुत अच्छा लगा। तो आज के लिए लेते हैं विदा। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए प्लीज। वो अब हम लोग मिलेंगे, रेड हो जाएगा। अब हम लोग मिलेंगे कल के ब्लॉग में, और भगवान करे ऐसी औलाद भगवान सबको दें, बहुत ही प्यारा और बहुत ही मम्मी का केयर करने वाला। ऐसा नहीं है क्योंकि हम बदमाशी बहुत करते हैं। नहीं, बहुत प्यारा है, और बच्चे तो शरारत करते ही हैं। तो टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं कल। स्टार्टिंग डे।